देवी अहिल्या विश्वविद्यालय और सुपर चार्जर्स ग्रुप द्वारा रविवार सुबह मैराथन का आयोजन किया गया। 10 के रन के नाम से आयोजित इस मैराथन को शहीद कर्नल संतोष बाबू को समर्पित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर हुई इस दौड़ में 1000 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। अलग अलग कैटेगरी में होने वाले मैराथन सुबह 6 बजे से शुरू हुई। मैराथन का आयोजन देवी अहिल्या विश्वविद्यालय और सुपर चार्जर्स ग्रुप ने किया। सभी आयु वर्ग को ध्यान में रखते हुए अलग अलग कैटेगरी की दौड़ देवी अहिल्या विश्वविद्यालय परिसर खंडवा रोड पर हुई। स्वस्थ इंदौर का संदेश देते हुए बड़ी संख्या में लोगों ने इसमें भाग लिया। जी नमस्ते और जय हिंद, मैं डॉक्टर संदीप जुल्का। आज का जो रन है वो DAVV और सुपर चार्जर्स ग्रुप जो है उनकी सोसाइटी द्वारा आयोजित किया गया है। इस रन का नाम हमने दिया है कर्नल संतोष बाबू मेमोरियल रन। कर्नल संतोष बाबू जो शहीद हुए थे गलवान में 20 बहादुर जवानों के साथ, उनके नाम पे ये रन दिया है जोश और जज्बा जगाने के लिए जन सामान्य में। जो भागने के जो स्वास्थ्य के जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत हैं। ये एक मैजिक पिल है। मैं डायबिटीज़ का इलाज करता हूँ मोटापे का, तो मुझे मालूम है यदि आपको मोटापे से बचना है, उच्च रक्तचाप से बचना है, डायबिटीज़ से बचना है, हार्ट की प्रॉब्लम से बचना है, अस्थि भंगुरता, तो आपके लिए दौड़ना या तेज़ चाल चलना कदम चलना बहुत अनिवार्य है। जय हिंद। 10 के रन के नाम से आयोजित इस मैराथन में इंदौर के आमजनों के साथ आर्मी, डॉक्टरों सहित अन्य गणमान्य जनों और मध्य प्रदेश व देश के कई राज्यों से प्रोफेशनल धावक भी इसमें शामिल होने के लिए पहुंचे थे। फिटनेस मोटिवेशन मिलता है एक सबको देख के, इतने सब मतलब एक मोटिवेशन मिलता है। रविवार सुबह से ही शुरू हुई मैराथन स्वस्थ इंदौर बनाने का संदेश देते हुए रात तक चलेगी, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। इंदौर से मृदुभाषी के लिए चंकी वाजपेयी की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।